स्वागत है आपका, मैं हूं रीनू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तेज रफ्तार खबरों से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेवल ऑफिस में भीषण आग लग गई है। और इंदौर का पूरा मामला, जहां छोटी ग्वाल टोली की ट्रेवल्स ऑफिस में ये आग लगी है। कई दुकानें इसकी चपेट में आई हैं, जलकर खाक हो गई। ऑटो रिक्शा और कई वाहन भी जलकर खाक हुए। कई दमकलें मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। तो कई दुकानें इसकी चपेट में आई हैं और आप देखेंगे आग को बुझाने के तमाम प्रयास। और मानिए कि कई दुकानें आग के आगोश में समा चुकी हैं, जलकर खाक हो चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये दुकानें आग की चपेट में आई थी। इंदौर का पूरा मामला, ट्रेवल्स ऑफिस में भीषण आग लगी है। तो फौरी तौर पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। बस ट्रेवल्स की आधा दर्जन दुकान, एक ऑटो रिक्शा, तीन टू व्हीलर, ये सब जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। तो इंदौर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। आग लगने की घटना और तेजी से आग फैलती चली गई, कई वाहन और दुकान इसकी चपेट में आ गए। तो आप देखेंगे आग की भीषण, इतनी भीषण थी कि ऑटो जो कि दुकान के बाहर खड़ा था, वो वाहन भी इसकी चपेट में आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज आग की लपटें उठी थी कि दुकानों के पास खड़े वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। आप देख पाएंगे कुछ मोटर बाइक है, वो भी इसकी चपेट में आई है, खाक हो गए। आस पास से लोग निकलते हुए नजर आए और तुरंत दमकल को सूचना दी गई, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उसके पहले काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। इंदौर का पूरा मामला, ट्रेवल्स ऑफिस में आग लगी। आग कैसे लगी है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, जांच का विषय। छोटी ग्वाल टोली के पास यह हादसा हुआ है और तकरीबन आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। ऑटो रिक्शा और कई वाहन जलकर खाक हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है और ये वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये आग कैसे लगी। और जाहिर तौर पर जैसे अभी रीनू जिक्र कर रही थी कि ये जाँच का मसला है और होनी चाहिए कि आखिर ये आग कैसे लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। बाहर खड़े ऑटो उसकी चपेट में आ गए और ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक जब आग धधकती रही, आग लगी और उसके बाद जब आग पर काबू पा लिया गया, लोग यहां पर पहुंच गए, कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, यानी कई लोगों की जो रोजी रोटी है अब वहां सिर्फ राख है। गनीमत यह है कि फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है और ऐसी भी कोई जानकारी नहीं कि इसमें कोई झुलसा हो। आगे हालांकि कुछ अपडेट भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जो आग आप देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे जिस वक्त आग को बुझाया जा रहा था, हालांकि यहाँ पर जो दमकल विभाग है उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी, तमाम तरीके से आग को बुझाने के प्रयास करने पड़े और अफरा तफरी का माहौल भी रहा। लोग आसपास यहाँ पर भीड़ भी लगा लिए जिन्हें साइड किया गया और आग बुझाने के दौरान की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, काफी मशक्कत करती हुई पूरी टीम नजर आई। धुएं का गुब्बारा आप देख पाएंगे, बिल्कुल काला धुआं नजर आ रहा है और इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग। आग के आगोश में तकरीबन आधा दर्जन दुकानें, कई रिक्शा वाहन और टू व्हीलर्स भी इसकी चपेट में आई। और अंदाजा जैसा कि रीनू जिक्र कर रही है कि भीड़ आसपास लग गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पटेल ब्रिज के आसपास लंबा जाम लग गया, रेलवे स्टेशन जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। छोटी ग्वाल टोली का ये पूरा मामला है, आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई।